नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। दाऊद इब्राहिम के साथी शकील अहमद की जसलोक अस्पताल में हुई मौत। दाऊद इब्राहिम के पुराने साथी शकील अहमद शेख, जिसे कि लंबू शकील के नाम से जाना जाता था, उसकी मुंबई के जसलोक अस्पताल में मौत हो गई है। वह दिल की बीमारी से पीड़ित था। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि शकील अहमद शेख को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि शेख की बीमारी और मौत के बारे में विस्तृत जानकारी अस्पताल के आधिकारिक बयान में दी जाए। राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन को दिखाया ठेंगा। झारखंड में सभी 14 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड में विपक्षी महागठबंधन को ठेंगा दिखा दिया है। इधर शिबू सोरेन ने महागठबंधन की सीटों की घोषणा की, उधर राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुंबई के खिलाफ ऋषभ पंत का दिखा तूफानी अंदाज, बंद कर दी सबकी बोलती। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में ऋषभ पंत की खराब बल्लेबाजी की वजह से उन पर कई तरह से सवाल उठने लगे। कंगारू टीम के खिलाफ अपनी ही धरती पर पंत की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है और वो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आईपीएल के पहले ही मैच में पंत ने अपने ऊपर बल्लेबाज को लेकर उठ रहे सवाल का जोरदार उत्तर दिया है। मुंबई के खिलाफ पंत ने तूफानी पारी खेली और सीजन के पहले ही मैच में शानदार अर्धशतक लगा है। ऋषभ पंत ने मुंबई के खिलाफ सिर्फ 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 6 चौके लगाए। पंजाब नेशनल बैंक ने मार्च तिमाही में 10,000 करोड़ रुपए की रिकवरी का रखा लक्ष्य। पंजाब नेशनल बैंक ने समाप्त होने वाली तिमाही के लिए 10,000 करोड़ रुपए की रिकवरी का लक्ष्य रखा है। ये जानकारी बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता ने दी है। मेहता ने न्यूज एजेंसी IANS को दी एक हस्ताक्षर में बताया, बैंक ने चालू तिमाही के लिए 10,000 करोड़ रुपए की रिकवरी का लक्ष्य रखा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बैंक ने चालू वित्त वर्ष की बीती 3 तिमाहियों में 16,000 करोड़ रुपए की रिकवरी की। रेशमा की कहानी सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, ऐसे बनाया जिंदगी को खूबसूरत। 21 वर्षीय रेशमा कुरैशी का अतीत जितना दर्दनाक और खौफनाक है, वर्तमान उतना ही प्रेरणादायक है। एसिड अटैक का शिकार बनी युवती का चेहरा विकृत हो गया है, एक आंख की रोशनी जाती रही, लेकिन आज उनसे सुंदरता की एक नई परिभाषा कायम की है। रेशमा के चेहरे पर उसके ही जीजा ने तेजाब फेंक दिया था। इस घटना ने रेशमा की जिंदगी में बवंडर मचा दिया, गहरी चुप्पी साथ ली, लेकिन जिंदगी को खूबसूरत ढंग से जीने की इच्छा जागृत कर वह परिस्थितियों से लड़ी और एसिड अटैक पीड़िताओं की प्रेरक बन गई। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई पहल, विजिलेंस विभाग शुरू करेगा सोशल मीडिया साइट। जी हाँ, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विजिलेंस विभाग जल्दी एक नई शुरुआत करने जा रहा है। अक्सर जब लोगों से कोई रिश्वत मांगता है तो लोग सिर्फ CBI को ही इसकी शिकायत दर्ज करवाने के बारे में सोचते हैं। ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि लोगों को प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए विजिलेंस विभाग की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में विजिलेंस विभाग ने लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया साइट शुरू करने का फैसला लिया है, जिसे जल्दी शुरू किया जा सकता है। शहर में हर सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विजिलेंस विभाग को स्थापित किया गया था, ताकि लोग अपनी शिकायतें यहां बता सकें। बठिंडा के सियासी मैदान पर सरगर्म हुए देवर भाभी। हॉट सीट बठिंडा के लिए अभी तक शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। मनप्रीत कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं, नुक्कड़ सभाओं के अलावा लोगों के घर घर जा रहे हैं। वहीं हरसिमरत भी नुक्कड़ सभाओं से प्रचार में जुट गई हैं। इसके साथ ही चर्चा तेज हो गई है। शांता बोले, अब चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़वाऊंगा। सांसद शांता कुमार ने कहा कि अब वे चुनाव लड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि राजनीति में सक्रियता बरकरार रहेगी। रविवार को निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा, 5 वर्ष पहले जताई इच्छा पूरी होने पर प्रसन्न है। वे कौन शांता, उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन उस समय तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। इसके बाद भारी मतों से जीत दर्ज की थी। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि इस बार परिवार ने तय किया है कि वो चुनाव नहीं लड़े। दीपिका पादुकोण का एसिड अटैक सर्वाइवर लुक पहचानना हुआ मुश्किल। मेघना गुलजार के निर्देशन में बन रही फिल्म छपाक का पहला लुक पोस्टर रिलीज हो गया। दीपिका पादुकोण का लुक सामने आ गया है। एक्ट्रेस छपाक में एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के रोल में दिखेगी। दीपिका का लुक देख फैन निशब्द हो गए हैं। छपाक में दीपिका अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार निभाएगी। वहीं फिल्म में दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का नाम मालती है। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।